हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज का जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये रेलवे डी ग्रुप वालों के लिए है। एक ही वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आपको सब पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम कब होगी और डेट क्या है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मैं बात बता देता हूँ आपको दोस्तों कि वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके जाना और कमेंट करके जाना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हम भी मेहनत करते हैं आपके लिए, डेटा कलेक्ट करके लाते हैं, सही जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि बदले में आप हमें छोटा सा मोटिवेशन ये ज़रूर दें। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि एग्ज़ाम डेट कब है। ठीक है, एग्ज़ाम को लेकर क्या क्या अब बातें फैल रही हैं वो देखिए कि एग्ज़ाम जो हो वो सभी कहते हैं कि एग्ज़ाम 2021 के अंदर होगा ही नहीं। ठीक है, बहुत सी जगह पर ये देखने को मिलता है। एग्ज़ाम जो हो वो नवम्बर में होगा, एग्ज़ाम जो हो दिसंबर में होगा, आप जगह जगह पर अलग अलग बातें सुनते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि फ़िलहाल की जो सिचुएशन है कोविड-19 वाली, ये सिचुएशन आपको पता है कि क्रिटिकल बनी हुई है। इस बीच में इतनी बड़ी भर्ती का एग्ज़ाम करवाना, यानी कि आपको पता है कि फॉर्म्स की संख्या जो है वो करोड़ों के अंदर लगी हुई है, तो ऐसी वैकेंसी का एग्ज़ाम करवा देना इतना सरल काम तो नहीं है। आपको ही पता है, मैं मानता हूँ कि तैयारी आप बहुत टाइम से कर रहे हैं, बहुत टाइम होगा आपको तैयारी करते हुए। अब आप भी अपने तैयारी को जांचना चाहते हैं, जल्दी से अपनी जो हो वो ये जॉब्स पाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको सच्चाई तो माननी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हमारी तैयारी से सब कुछ होता है। अब सिचुएशन क्रिटिकल है तो ये बात तो माननी पड़ेगी। अब क्या है कि एग्ज़ाम जो डेट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम जैसे ये सिचुएशन जो है ना वो कंट्रोल में हो जाएगी ना, ये कंट्रोल में हो जाएगी, तो इसके बारे में जो वो शेड्यूल दोबारा से जारी कर दिया जाएगा। अभी आपको पता है कि एनटीपीसी के भी 7th फेज के एग्ज़ाम बचे हुए हैं। ठीक है, और आप में से बहुत से बच्चे जो हैं ऐसे होंगे जो एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम देंगे। तो अभी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में आने दीजिए, क्योंकि ये बड़ी भर्ती है, ऑल इंडिया की भर्ती है। इसमें बच्चों को जगह से जगह दूसरी जगह पर जाना पड़ता है, तो इसलिए जो है वो हर चीज़ को देख कर चलना होगा। तो दोस्तों, आपको ये कोऑपरेट करना होगा साथ में। एग्ज़ाम जो डेट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि टेंटेटिव जो एग्ज़ाम डेट है वो हम मान के चल सकते हैं कि ये जो डेट है वो अगस्त में हो सकती है। ठीक है, अभी आपको पता है कि मई चल रही है, ठीक है, पूरा लॉकडाउन में जाएगी। जून है, जून का भी अभी से सुनने लग गए हैं कि जून में भी लॉकडाउन लग सकता है। ठीक है, तो जून के जो एंडिंग तक, यानी कि जून के जो एंडिंग तक जो वो लॉकडाउन की थोड़ी सी संभावनाएँ कम हो सकती हैं, क्योंकि सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में होने लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि जो इतना हो जाने के बाद में जो जून के बाद जुलाई, ठीक है, जुलाई में आपका शेड्यूल जो है वो दोबारा से जारी हो सकता है, और ऐसे चलते चलते आपको पता है अगस्त तो आसानी से आ जाएगी। ठीक है, अगस्त तो आराम से आ जाएगी दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ अपने आप को मोटिवेट रखिए। ठीक है, मोटिवेट रखिए अपने आप को। अगर इस टाइम पर आपने तैयारी छोड़ दी, आपने पिछली बार भी देखा होगा कि लॉकडाउन था तब तक था, लेकिन जब एग्ज़ाम होने लग गए थे तब आपको ये समझ में भी नहीं आया कि किस एग्ज़ाम की हम तैयारी करें और किसका हम एग्ज़ाम दें। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ एग्ज़ाम जो वो डेफिनेटली होगा 2021 में होगा। सिचुएशन इतनी बुरी भी नहीं जाएगी कि कंट्रोल ही ना हो, वो कंट्रोल हो रही है धीरे धीरे। तो आप अपने आप की जो तैयारी है वो कंटिन्यू रखिए। आपको इस वीडियो के दौरान अगर कुछ भी सही इन्फॉर्मेशन लग रही है ना, कि फैक्ट बता रहा हूँ, ऐसे फेंक नहीं रहा हूँ, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करके जाना दोस्तों। हमारी मेहनत लगती है, हम आपके साथी हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप हमें सपोर्ट कीजिए। एग्ज़ाम जो डेट है वो आप एक बार अगस्त लेकर चल सकते हैं, क्योंकि एक बैलेंस बनाने के लिए, एक टाइम टेबल फॉलो करने के लिए हमें कुछ तो मानना पड़ता है, और हम क्यों ना कुछ ऐसा ही मंथ माने जिसके अंदर एग्ज़ाम होने की संभावनाएँ ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, अगस्त मानकर आप चल सकते हैं फिलहाल के अंदर। और जो ग्रुप डी है वो तैयारी करने वाले बच्चे साथ में एनटीपीसी की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको ये डबल फायदा है। एनटीपीसी सीबीटी 2, ठीक है, और सीबीटी 2 जो है उसकी तैयारी करने वाले, और अभी तक जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम देंगे वो दोनों तैयारी आप साथ मिला के चलिए, क्योंकि जो ग्रुप डी के अंदर है वो साइंस ज़्यादा है, तो इसके ऊपर आपको फोकस करना होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं कि एनटीपीसी में साइंस आएगी नहीं, साइंस से एनटीपीसी में भी आती है, और हो सकता है कि एग्ज़ाम में ज़्यादा आ जाए, तो आप दोनों को बैलेंस बनाकर चलिए दोस्तों। खुद को मोटिवेट रखिए, आपकी तैयारी जो हो वो कहीं नहीं जाएगी।
ठीक है, एग्जाम होगी, डेफिनेटली होगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैसा लगा आज का ये वीडियो? आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। तरह तरह की जो भ्रम फैल रहे हैं उनसे बचिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए। जब एग्जाम होने लग जाएंगे ना, तो एक से ऊपर एक आएगा एग्जाम, और आपको उस टाइम पर जो वो बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा किस एग्जाम की तैयारी करें और किसका हम एग्जाम दें आप। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, यहीं पर अपनी बात खत्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर करके बताना। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।